आज चैत्र शुक्ल द्वितीया रविवार 3 अप्रैल 2022 है। आज की प्रस्तुति में बहुत कुछ विशेष है, अतः वीडियो को पूरा देखते हुए रविवार का आनंद लें। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखना। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री जी दर्शन से पहले आइए आज की प्रस्तुति का क्रम समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रभु श्री जी के सन्मुख पड़े गए नव संवत्सर 2079 के पंचांग का विवरण है तथा वर्ष फल है। तत्पश्चात नव संवत्सर को वैष्णवों द्वारा प्रभु श्री जी को लाड़ लड़ाते हुए कुछ अनूठे अंदाज में मनाया गया। उसके 3 प्रसंगों का उल्लेख है। तत्पश्चात प्रभु श्री जी के दर्शन, श्री विट्ठलनाथ जी में 56 भोग के दर्शन एवं पुष्टि सृष्टि से दर्शन। आइए श्री जी के सन्मुख पड़े गए पंचांग से प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। सभी वैष्णवों को नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो पंचांग श्री जी के सन्मुख पढ़ा जाता है वो निम्न प्रकार से। श्री हरि ही श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति अचिंताय व्यक्ति रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। स्वस्ति श्री मन्न प्रति विक्रम संवत 2079 श्री शालिवान शके 1944 प्रवर्तमाने राक्षस नाम संवत्सरे शकानुसारे शुक्रत नाम संवत्सरे। अस्मिन वर्षे राजा शनि है, मंत्री गुरु है, सशेष शनि है, धन्येश भृगु, मेघेश बुद्ध, रसेश चंद्र, निर्शेष शनि, फलेश भौम, धनेश शनि, दुर्गेश बुद्ध, एक दशाधिकारणे वर्ष नाम भाद्रपद है, स्थतत फलम अब्दे भाद्रपदे वृष्टि क्षेम आरोग्यम क्वचित कचित सर्वस्य समृद्धि न्याशम येतम परम फलम। मेघ नाम पुष्कर है, पुष्करे मंद वृष्टि स्यात्। रोहिणी निवास समुद्र है, समुद्रे तु महावृष्टि। समय निवास मालिनी ग्रह है, मालिनाम प्रचुरा वृष्टि स्यात्। समय विश्वा 5 है, समय वाहन महीष है, स्तंभ 3 है, अन्न जल त्रणाम। सोमवती अमावस्या 2 है, अंगार की चतुर्थी 1 है, सोमवती पंचमी 2 है, भानु सप्तमी 3 है, बुद्धाष्टमी 1 है, रवि दशमी 2 है। समय मुहूर्ता 375 है, समय दिनानी 354 है, तिथि क्षय 16 है, तिथि वृद्धि 10 है, उत्पत्ति विश्वा 93 है, खतपति विश्वा 93 है, वर्षा विश्वा 7 है, धान्य 5 है, तृणम 5 है, शीत 13 है, तेज 17 है, वायु 13 है, वृद्धि 15 है, क्षय 15 है, विग्रह 11 है, एक्यम 101 है, सत्य आधा आना है, धर्म 1.5 आना है, पाप 18 है, शनि दृष्टि उत्तर है, ग्रहण इस बार 2 है, सूर्य और चंद्र। अत कृतयुग प्रमाणम 17,28,000 वर्ष भय है, त्रेतायुग प्रमाणम 12,96,000 वर्ष भय है, द्वापर युग प्रमाणम 8,64,000 वर्ष भय है, कलयुग प्रमाणम 4,32,000 वर्ष भय है। इसमें कलयुग को 5,123 वर्ष भय है, शेष कलयुग 4,26,877 वर्ष शेष है। या वर्ष राशि को लाभ खर्च या प्रकार सु रहेगो। मेष राशि में 14 को लाभ 14 को खर्च क्लेश है। वृषभ राशि में 8 को लाभ 8 को खर्च विजय है। मिथुन राशि में 11 को लाभ 5 को खर्च विजय है। कर्क राशि में 5 को लाभ 5 को खर्च लाभ है। सिंह राशि में 8 को लाभ 14 को खर्च अपमान है। कन्या राशि में 11 को लाभ 5 को खर्च विजय है। तुला राशि में 8 को लाभ 8 को खर्च विजय है। वृश्चिक राशि में 14 को लाभ 14 को खर्च क्लेश है। धनु राशि में 2 को लाभ 8 को खर्च लाभ है। मकर राशि में 5 को लाभ 2 को खर्च विजय है। कुंभ राशि में 5 को लाभ 2 को खर्च विजय है। मीन राशि में 2 को लाभ 8 को खर्च लाभ है। विक्रम संवत 2079 उत्तरायणे वसंत ऋतौ मां मांगल्ये मासो तमे मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदाम शनिवासरे 13 घड़ी 53 पल रेवती नक्षत्र 12 घड़ी 18 पल इंद्र योगे 5 घड़ी 10 पल बव कर्णे 13 घड़ी 53 पल मेष राशि स्थिति श्री चंदे श्री नव संवत्सर को आरंभ है। सभी को खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्ण। यह नव संवत्सर जो कि राक्षस नाम संवत्सर है, शकानुसारेण शुक्रत नाम संवत्सर है, इसका जो राजा है वह शनि है, मंत्री गुरु है। इनके मंत्रिमंडल में ज्यादातर
पद शनि ने स्वयं अपने पास रखे हैं, परंतु जो रोहिणी का निवास है वो समुद्र में होने से वर्षा के अच्छे योग बनते हैं। और साथ ही इस वर्ष दो ग्रहण हैं और दोनों ग्रहण एक ही मास में है, कार्तिक मास में। हम प्रभु शिना जी का आशीर्वाद एवं माननीय श्री तिलकायत महर्षि के आशीर्वाद से यह वर्ष सभी के लिए बहुत उत्तम रहेगा, ऐसी प्रभु से यही कामना है। जय श्री कृष्ण। कुछ अपने ही अंदाज में जय श्री कृष्ण करते हुए यह नन्हे मुन्ने बालक नाथद्वारा के पास स्थित एक ग्रामीण उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, जो खमनौर पंचायत समिति के धायला गांव में स्थित है। समय नव संवत्सर उत्सव के एक दिन पहले का है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता। आपने जय श्री कृष्ण भी कर ली और भारत माता की जय का जयकारा भी सुन लिया। यह प्रभु श्री जी के भक्त भगवदीय वैष्णवों का अपना अंदाज है, भारतीय जड़ों को पोषित करने का, मदद करने का। संदर्भ यह है कि प्रभु श्री जी के भक्त अमेरिका निवासी NRI वैष्णव, जिनके द्वारा ऐसे जरूरतमंद बालकों को शैक्षणिक सहायता निरंतर प्रदान की जा रही है, जिनकी कुछ झलकियां हम पूर्व की प्रस्तुतियों में भी कर चुके हैं, उनके द्वारा दिया जा रहा आर्थिक संबल कई बालकों को उन्नति की ओर अग्रसर कर रहा है। उनकी भावना के अनुसार ही नव संवत्सर की पूर्व वेला पर यह वितरण किया गया। भावना यह है कि इस वर्ष ये बालक संसाधन की कमी को महसूस न करें और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके तहत इन सभी बालकों को वर्ष भर के लिए शैक्षणिक सामग्रियां, गणवेश, जूते आदि मुहैया करवाए गए। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया गया। यह सहायता प्राप्त करने के बाद बालकों के जो भाव प्रकट हो रहे थे वह कितने संतोषप्रद हैं, आप भी महसूस कीजिए। शंकर किसी क्लास में बने? दूसरी में। पेंसिल लिखे है? है? पेन लिखे पेंसिल केशव बेग बढ़िया है? नेपथ्य में रहकर इस प्रकार की सहायता करने वाले वैष्णव को जितना धन्यवाद कहा जाए कम है, क्योंकि न जाने कितनी बालिकाओं और कितने बालकों के भविष्य इससे सुधरेंगे। इन नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं के चेहरे की ये मुस्कान क्या आपको भी प्रेरित करती हैं? सोचिए, जो सुखद एहसास इन चेहरों को देखकर होता है, क्या उसकी कोई कीमत हो सकती है? साथ ही इनके लिए प्रेरक बल भी तैयार हो रहा है। ये शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और जो सबसे बड़े सुकून की बात है वह यह है कि सुदूर अमेरिका में बैठे हमारे भारतीय हमारे अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं और सहायता कर रहे हैं। यह दिव्य शंखनाद का सौभाग्य भी है कि प्रभु श्री जी की कृपा से इस प्रकार के सदकार्यों में माध्यम बनने का अवसर मिल रहा है। केवल इतना महसूस कीजिए, नव वर्ष पर ये बच्चे जिन्हें संसाधनों का अभाव है, यह संसाधन पाकर कैसा महसूस करते होंगे, उनके माता पिताओं को कितना संबल मिलता है, अपने परिवार को ऊंचा उठाने में कितनी मदद मिल पाती है। इसका महत्व इसलिए भी अधिक है कि सरकारें तो अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन जिन्हें प्रभु ने समृद्धि दी है उन्हें अवश्य इस तरह के सद्कार्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। आइए अब देखिए, नव संवत्सर के दिन जब ये बालक अपने विद्यालय आए तो किस प्रकार के लग रहे थे, उनके चेहरे किस प्रकार चमक रहे थे। यदि हम एक एक हाथ भी बढ़ाएं तो इस तरह से फिजा बदल सकती है। साथ ही इन नन्हे मुन्ने बालकों के अंदर बैठे ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है और आशीर्वाद तो हर तरफ से मिलते हैं, जैसे कि इन शिक्षक गणों को सुनिए। जय श्री कृष्ण।
आज विद्यालय में वैष्णव जी की तरफ से जो बच्चों के लिए जो बहुत ही जरूरतमंद थे उनके लिए आपके द्वारा ये जो व्यवस्था की गई है, विद्यालय परिवार आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है और हम आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें। धन्यवाद। आइए नव संवत्सर उत्सव मनाने के एक और अनूठे भारतीय अंदाज को देखते हैं। यह जो वैदिक मंत्रोच्चार की ध्वनि आप सुन रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में स्थित श्रीनाथ वेद विद्यालय में गूंज रही है। अवसर है नव संवत्सर 2079 के उत्सव का और संदर्भ यह है कि सुदूर अमेरिका में बैठे प्रवासी भारतीय श्री बाबूभाई पटेल एवं अस्मिताबेन पटेल ने अपने पौत्र अर्जुन अजन के जन्मदिवस को नव संवत्सर की वेला पर एक उत्सव के रूप में मनाना तय किया, वह भी भारतीय संस्कृति के अनुसार। दिव्य शंखनाथ की टीम को माध्यम बनाते हुए प्रभु श्री जी का प्रसाद एवं विद्यालय के इन बालकों तथा शिक्षकों सहित अतिथियों को नव संवत्सर की वेला पर भोजन करवाया। आप देख सकते हैं कि परिवार के एक विशिष्ट दिवस को किस प्रकार से एक उत्सव के रूप में मनाया जा सकता है। यह शुद्ध धन का सही उपयोग है और बाबू भाई पटेल एवं अस्मिताबेन पटेल इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। आप भी अपने परिवार में आने वाले विशिष्ट अवसरों को इस प्रकार से प्रभु श्री जी को लाड़ लड़ाते हुए मना सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। श्री जी तो वैष्णवों के लिए सर्वोपरि हैं ही। नव संवत्सर दिवस के पूर्व की वेला पर हुई एक घटना और उल्लेखनीय है। महाराष्ट्र के पुणे में निवास करने वाले एक भगवदीय वैष्णव प्रीतेश पृथ्वी ने भी प्रभु श्री जी को नव संवत्सर पर लाड़ लड़ाए, दिन भर का मनोरथ किया, सामग्रियां आरोगाई। जानते हैं इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी है जिसकी डिलीवरी होना भी बाकी है, लेकिन प्रभु श्री जी का आशीर्वाद पाए बिना उस गाड़ी का उपयोग भी प्रारंभ करना उनको गवारा नहीं। दिव्य शंखनाथ की टीम को सेवा का अवसर देते हुए उन्होंने प्रभु श्री जी को पहले लाड़ लड़ाए, अब वे उस गाड़ी का उपयोग करेंगे। यह हमारी भारतीय संस्कृति है, अद्भुत, वैज्ञानिक और प्राकृतिक, जहाँ बालकों को भगवान का स्वरूप मानते हुए पहले तिलक अक्षत उकलाई उड़ाकर स्वागत किया जाता है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आनंद एवं प्रेम से उन्हें भोग के रूप में भोजन करवाया जाता है। जन्मदिवस मनाने का यह अनूठा और आनंददायक अंदाज केवल हमारी भारतीय संस्कृति में है और ये प्रभु श्री जी के द्वार के आनंद हैं। वरना आप भली भांति जानते हैं कि हजारों रुपए खर्च करने के पश्चात भी भिखारियों की तरह क्यू में लगना पड़ता है। दूसरी तरफ हमारी संस्कृति क्या देती है, आइए वेद विद्यालय के आचार्य जी श्री देव कृष्ण जी के वचनों से सुनते हैं। भारतीय नव संवत्सर का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आपके लिए हमेशा अग्रे अग्रे जो है नव संवत्सर आपके लिए खुशियों से भरपूर और आनंदमय हो, खुशहाली और स्वस्थ दीर्घायु और स्वस्थ आप हमेशा रहे। आपने आप श्रीनाथ विद्यालय में आज आपने जो
इन ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण बालकों को, ब्रह्मचारी बालकों को एवं अतिथियों को आपकी ओर से जो भोजन प्रसादी आज ग्रहण की गई है, और आप श्री के अर्जुन अंजन पटेल जी को जो आज जन्मदिन है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बधाई के साथ मैं यह ठाकुर जी से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप सतायु होवे, चिरंजीवी होवे और आपकी मंगलमय मनोरथ आपके पूर्ण होवे एवं उज्ज्वल भविष्य की आपकी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। नव संवत्सर के साथ ही श्री जी की सेवा प्रणालिका में कई परिवर्तन हुए, जिसके तहत आज प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराया जाता है। इस भावना से आज श्री जी के पार्श्व भाग में श्याम रंग के आधार वस्त्र पर छापा की सुंदर पिछवाई सजाई जाती है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी किनारी के हाशिया से सजी होती है। इसके अलावा अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़घा जी एवं बंटा जी स्वर्ण के जड़ाऊ पधराए जाते हैं। पड़घा जी दो पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी तथा दूसरे पर यमुना स्वरूपा झारी जी पधराई जाती हैं। सन्मुख में तांबुल सेवार्थ दृष्टि जी पधराई जाती हैं। श्री जी की वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को विशेष प्रकार के वस्त्र धराए जाते हैं। इनमें लाल रंग की धोती धराई जाती है, जिनके ऊपर श्याम रंग के छापा के खुले बंद के चाकदार वागा धराए जाते हैं तथा चोली धराई जाती है। ये सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज गुलाबी रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण के सिद्ध किए हुए धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों में प्रभु को आज लाल रंग की छज्जेदार पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच धराया जाता है और जमाव का कतरा धराया जाता है। इसके साथ सुनहरी तुर्री भी धराई जाती है। इनके साथ शीश फूल तो धराए ही जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा दो जोड़ी कर्ण फूल धराए जाते हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ गुलाबी पुष्पों की, रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई जाती हैं, और विशेष रूप से आज कमल माला भी धराई जाती है। श्री हस्त में प्रभु के आज पुष्प छड़ी, स्वर्ण के वेणु जी एवं कटी पर भी ऐसे ही वैत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरणों में प्रभु के आज आभरण से मिलवा ही पेंजनिया, नूपुर एवं बिच्छियाँ धराई जाती हैं। खेल के साज में आज पट श्याम व गोटी चांदी की पधराई जाती हैं। इन सभी वस्त्र श्रृंगार एवं आभरण से अलंकृत प्रभु श्री जी को आज आरसी नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है। उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी को अब छापा वाले वस्त्र धराने प्रारंभ हुए हैं। आइए अब प्रभु श्री जी की राग सेवा का अवलोकन करते हैं, जिसके तहत आज मंगला में लालन रहिए जाओ जाके रस, राजभोग में जब श्याम अभी राम मुरली, आरती के पद में कुसुम गुलाब महल में बैठे, शयन में श्याम कपोलन कनक कुंडल झाई, मान के पद में छांड दे मननी श्याम संग, पोड़वे के पद में श्याम जो सुख सेज, कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का
अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला श्रृंगार राजभोग एवं आरती दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। दूधघर रसोई एवं बालभोग में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का मंगल भोग ग्वाल भोग राजभोग शयन भोग आदि में प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। अब एक विशेष सूचना, उष्णकाल होने के कारण प्रभु श्री जी के शयन के दर्शन आम दर्शनार्थियों के लिए बाहर नहीं खोले जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर नाथद्वारा से हैं, जहां कल नव संवत्सर के अवसर पर यज्ञोपवित प्रस्ताव के तहत 56 भोग का मनोरथ हुआ था। आइए 56 भोग के मनोरथ की कुछ झलकियों के दर्शन करते हैं। देश विदेश के पुष्टि मार्ग के हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। Bye.
बैठे हरि आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।